गुड मॉर्निंग एवरीवन, यूनिवर्सल बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में अभी तक में हम लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर को समझा, पॉलिनेशन को समझा, डबल फर्टिलाइजेशन को समझा, इंडो स्पर्म को भी हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्ब्रायो के बारे में, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स का जो एम्ब्रायो होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आप सबसे कुछ क्वेश्चन पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन था, पेरिस्पर्म किसका बचा हुआ भाग होता है? पेरिस्पर्म किसका बचा हुआ भाग होता है? इसका सही आंसर है न्यूसिलस। पेरिस्पर्म किसका बचा हुआ भाग होता है? न्यूसिलस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम पूछे थे, ओवरी वाल से किसका निर्माण होता है? ओवरी की दीवार से किसका निर्माण होता है? इसका आंसर होगा पेरिकार्प या फ्रूट वाल। पेरिकार्प या फ्रूट वाल, सभी स्टूडेंट ने इसका सही से आंसर भेज दिया था। ठीक है, आज भी हम दो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन में कुल कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन में कुल कितने न्यूक्लियस भाग लेते हैं? और सेकेंड क्वेश्चन है, नारियल में हमें किस प्रकार का इंडोस्पर्म देखने मिलता है? नारियल में हमें किस प्रकार का इंडोस्पर्म देखने मिलता है? तो दोनों क्वेश्चन के आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, हम इसका आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रायो, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स का जो एम्ब्रायो होता है, आज हम एम्ब्रायो के फुल कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में समझेंगे। ठीक, पहले देखते हैं, ये है एक ओव्यूल। ये क्या है? तो ये है एक ओव्यूल। हम ओव्यूल में यहाँ एम्ब्रायो सेक देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है, यानी कि ओव्यूल के अंदर में डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो जैसे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर जो एग सेल था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? जायगोट में। और यहाँ जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था वह किसमें चेंज कर गया? प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं। अब होता क्या है कि जायगोट से आगे चल करके एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से विकसित होकर के यह इंडोस्पर्म बनाएगा। तो पहले इंडोस्पर्म बनता है, उसके बाद जायगोट से एम्ब्रायो बनता है। जरा सा देखते हैं पहले क्या होगा कि जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये बार बार विभाजन करेगा और बहुत सारा न्यूक्लियस बना लेगा। ये बहुत सारा न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। देखो बहुत सारा यहाँ न्यूक्लियस बन रहा है ना। देखो बहुत सारा यहाँ न्यूक्लियस बन गया। अब सभी न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वाल का निर्माण हो जाएगा और ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज कर जाएगा। इसी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इंडोस्पर्म। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है इंडोस्पर्म। ये क्या हुआ? ये हो गया इंडोस्पर्म। ठीक है, इंडोस्पर्म। और यहाँ पर क्या है? जायगोट। जब इंडोस्पर्म बन जाता है तो फिर जायगोट से एम्ब्रायो बनता है। जब इंडोस्पर्म बन जाता है तो फिर जायगोट से एम्ब्रायो बनता है। जायगोट में जैसे फर्स्ट बार डिवीजन होगा, ठीक, तो इसमें दो सेल बन जाएगा, फिर डिवीजन होगा चार सेल बन जाएगा, फिर डिवीजन होगा इस तरह से, फिर बहुत सारा सेल्स बनेगा। ठीक है, इस तरह से बन गया। देखो बहुत सारा यहाँ पर सेल बन गया। तो ये है एम्ब्रायो, ये शुरुआती एम्ब्रायो है, अभी बिल्कुल नया नया अभी बनने का प्रयास ही कर रहा है, अभी ये और ज़्यादा विकसित होगा। तो जो बिल्कुल नया नया एम्ब्रायो रहता है ना, इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रायो। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रायो। जो बिल्कुल नया नया एम्ब्रायो होता है उसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रायो। अब ये प्रो एम्ब्रायो धीरे धीरे और विकसित होगा और फिर बनेगा मैच्योर एम्ब्रायो। धीरे धीरे विकसित होगा और क्या बनेगा? मैच्योर एम्ब्रायो। तो होता क्या है कि ये जो एम्ब्रायो है ये इंडोस्पर्म से फूड लेते जाता है। इंडोस्पर्म में जितना भी सेल्स है ना, सभी सेल्स में फूड स्टोर होता है। और जैसे जैसे एम्ब्रायो ग्रोथ करेगा वैसे वैसे क्या होगा? इंडोस्पर्म का सेल डैमेज होगा, इंडोस्पर्म का सेल टूटेगा और उसके फूड को एम्ब्रायो यूज कर लेगा। तो धीरे धीरे एम्ब्रायो का साइज बढ़ते जाता है और इंडोस्पर्म का साइज घटते जाता है। थोड़ा सा एक और फिगर हम बना देते हैं। यहाँ पर एम्ब्रायो को हम बड़ा कर रहे हैं। एम्ब्रायो
बड़ा होते जा रहा है, देखो बड़ा हो रहा है ना, ये एम्ब्रायो इस तरह से है, रफ फिगर है, एम्ब्रायो बड़ा हो रहा है और वैसे वैसे यहाँ एंडोस्पर्म क्या हो गया, देखो एंडोस्पर्म धीरे धीरे छोटा होते चला गया, एंडोस्पर्म का साइज घटते गया और एम्ब्रायो यहाँ पर बड़ा होता गया। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे एक मैच्योर एम्ब्रायो, ये क्या हो गया, मैच्योर एम्ब्रायो। तो मैच्योर एम्ब्रायो जो होता है ना, वो हो सकता है कि टोटल एंडोस्पर्म को खा जाए, पूरा एंडोस्पर्म के फूड का यूज कर ले और एंडोस्पर्म बचे ही नहीं, फिर लास्ट में यहाँ बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा ओव्यूल, चेंज कर जाएगा सीड में, ओव्यूल चेंज कर जाएगा सीड में। और हो सकता है कि मैच्योर एम्ब्रायो बनने तक टोटल एंडोस्पर्म समाप्त ना हो और कुछ एंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाए। तो अभी फिगर में कुछ एंडोस्पर्म दिखाई पड़ रहा है, ये एंडोस्पर्म यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो अभी हम लोग एम्ब्रायो क्या है उसको समझेंगे। देखो एम्ब्रायो तो यही है ना, मैच्योर एम्ब्रायो, एम्ब्रायो कहाँ पर है, ये सीड के अंदर में है, बीज के अंदर में है। तो हम बोलेंगे एम्ब्रायो का डिफिनेशन बोलेंगे कि बीज के अंदर उपस्थित वह मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। देखो क्या लिखा हुआ है एम्ब्रायो के बारे में, बीज के अंदर उपस्थित वह मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये मल्टी सेलुलर है, डिप्लॉइड है, क्योंकि जायगोट था डिप्लॉइड ना, तो जायगोट में जो माइटोसिस डिवीजन हुआ और फिर एम्ब्रायो विकसित हुआ, तो एम्ब्रायो भी डिप्लॉइड रहेगा। तो बीज के अंदर उपस्थित वह मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसमें कि अंकुरित होकर एक नया पौधा बनाने की क्षमता होती है। बीज के अंदर उपस्थित वह मल्टी सेलुलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसमें अंकुरित होकर एक नया पौधा का निर्माण करने की क्षमता होती है, उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रायो। तो ये जो एम्ब्रायो है, ये जो एम्ब्रायो है, यही अंकुरित होकर के एक नए पौधे का निर्माण करेगा। हम लोग एम्ब्रायो के एक सही स्ट्रक्चर को भी समझेंगे, एक सही स्ट्रक्चर, हम लोग अभी ये क्लास लंबा हो सकता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो एम्ब्रायो है ना, इस एम्ब्रायो में एक नुकीला स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है नीचे साइड, और एक नुकीला स्ट्रक्चर रहता है इस तरह से ऊपर साइड। तो नीचे साइड जो नुकीला स्ट्रक्चर है ना, इसको हम बोलते हैं रेडिकिल, इसको बोलेंगे रेडिकिल, और ऊपर साइड जो नुकीला स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलेंगे प्लूमूल, इसको बोलेंगे क्या, प्लूमूल। यानी कि ये जो एम्ब्रायो है, ये बीज के अंदर उपस्थित है, जब एम्ब्रायो विकसित हो जाता है तो उसमें एक नीचे साइड एक छोटा सा उभार रहेगा, एक ऊपर साइड भी छोटा सा उभार रहेगा। नीचे के उभार को हम बोलेंगे रेडिकिल, ऊपर के उभार को बोलेंगे हम प्लूमूल, और फिर ये पूरा स्ट्रक्चर कहला गया सीड। तो सीड के अंदर में ही एम्ब्रायो है और उस एम्ब्रायो में रेडिकिल और प्लूमूल है। जब बीज अंकुरित होता है ना, तो एक्चुअल में बीज के अंदर का एम्ब्रायो ही अंकुरित होता है, और ये जो रेडिकिल है, ये जब आगे विकसित होगा, जब बीज अंकुरित हो रहा होता है, तो रेडिकिल विकसित होकर के रूट सिस्टम बनाएगा, ये रूट सिस्टम बनाएगा, ठीक है, ये जड़ का निर्माण कर देगा, और प्लूमूल विकसित होकर के शूट सिस्टम बनाता है, ये शूट सिस्टम बनाता है, यानी कि ऊपर का वो तना पत्ती सब बना देता है। यानी कि देखो, ये जो रेडिकिल है, ये विकसित होगा और नीचे आगे चल करके जड़ बना देगा, और ये जो प्लूमूल है, ये आगे चल करके इस तरह से विकसित होगा, फिर तना और पत्ती का इस तरह से निर्माण हो जाता है, ठीक। तो एम्ब्रायो का डिफिनेशन, बीज के अंदर उपस्थित वह मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसमें अंकुरित होकर नया पौधा बनाने की क्षमता होती है, उसे ही हम एम्ब्रायो कहते हैं। एम्ब्रायो को फूड कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है, ठीक, यही सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमारे पास कुछ वर्ड है जिसे समझना जरूरी है, कौन कौन सा वर्ड है, एक है एम्ब्रायोजेनेसिस या एम्ब्रायोजेनी, फिर है इंडोस्कोपिक डेवलपमेंट, और फिर है मीरोब्लास्टिक एम्ब्रायो डेवलपमेंट। सब कुछ हम लोग एक तरफ से समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, एम्ब्रायोजेनेसिस, ये एम्ब्रायोजेनेसिस है क्या, देखो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बनता है, तो जायगोट कुछ समय के लिए रेस्ट पीरियड में चला जाता है, यानी कि कुछ समय तक ये जायगोट स्थिर रहता है। क्यों,
ताकि प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट सही से हो सके। यानी कि जब इंडोस्पर्म बन जाता है ना, तो ये इस बात का सुनिश्चय हो जाता है कि अब जायगोट से एम्ब्रायो बनने के लिए जो फूड चाहिए वो फूड इंडोस्पर्म से मिल जाएगा। तो जब इंडोस्पर्म विकसित हो जाता है तब जाकर के जायगोट धीरे धीरे जायगोट में माइटोसिस डिवीजन होने लगता है और जायगोट में बहुत सारा सेल्स बन जाता है और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। यही मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर कहलाता है एम्ब्रायो। तो जब एक डिप्लॉइड जायगोट, ये जायगोट जो होता है ना ये 2N होता है, ठीक है, डिप्लॉइड, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ना ये होता है कैसा, ट्रिप्लॉइड, 3N, ठीक। तो जब डिप्लॉइड जायगोट विकसित होकर के मैच्योर एम्ब्रायो बनाता है, जब डिप्लॉइड जायगोट विकसित होकर के एक मैच्योर एम्ब्रायो बनाता है, तो हम इसी प्रक्रिया को कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। हम इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, एम्ब्रायोजेनेसिस। देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जायगोट एक रेस्ट पीरियड के बाद एम्ब्रायो में विकसित होता है। डिप्लॉइड जायगोट से मैच्योर एम्ब्रायो विकसित होने की प्रक्रिया को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि डिप्लॉइड जायगोट जब एम्ब्रायो में विकसित होगा इसी प्रक्रिया को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। और इस दौरान कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। तो याद रखना कि जायगोट से जब एम्ब्रायो विकसित होगा तो इस दौरान जायगोट में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो इंडोस्कोपिक डेवलपमेंट और मीरोब्लास्टिक एम्ब्रायो डेवलपमेंट जो लिखे हुए हैं, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन जानना जरूरी है, यहाँ से नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो पहले हम लोग समझते हैं कि इंडोस्कोपिक डेवलपमेंट होता क्या है, इंडोस्कोपिक डेवलपमेंट होता क्या है, समझो। जो शुरुआती समय में एम्ब्रायो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो एम्ब्रायो बोलते हैं ना। जो शुरुआती समय एम्ब्रायो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रायो। ये और ज्यादा विकसित होगा और फिर जाकर के बनेगा मैच्योर एम्ब्रायो। तो ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, प्रो एम्ब्रायो में तो बहुत सारी सेल्स है, प्रो एम्ब्रायो में बहुत सारी सेल्स है। सभी सेल्स एक्चुअल एम्ब्रायो को नहीं बनाती है। एक्चुअल एम्ब्रायो जिसको हम मैच्योर एम्ब्रायो बोल रहे हैं ना, तो ये जो प्रो एम्ब्रायो है इसकी सभी सेल्स मैच्योर एम्ब्रायो यानी कि एक्चुअल एम्ब्रायो को नहीं बनाती है। मतलब ये कि प्रो एम्ब्रायो में कुछ सेल्स होती है जो कि एक्चुअल एम्ब्रायो बनाती है और कुछ सेल्स ऐसी होती है जो कि एक्चुअल एम्ब्रायो नहीं बनाती है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, प्रो एम्ब्रायो में बहुत सारी सेल्स है, सभी सेल्स एक्चुअल एम्ब्रायो को बनाती नहीं है। एक्चुअल एम्ब्रायो का मतलब जो कि न्यू प्लांट बनाएगा, जो नया पौधा बना सके, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि प्रो एम्ब्रायो में कुछ सेल्स ऐसी होती है जो कि ग्रोथ करके आगे चल करके एक्चुअल एम्ब्रायो बनाती है और कुछ सेल्स ऐसी होती है जो कि एक्चुअल एम्ब्रायो नहीं बनाती है, बल्कि वह क्या करती है, तो वह क्या करती है, वह एक्चुअल एम्ब्रायो बनाने वाले भाग को इंडोस्पर्म की ओर धकेलती है। एक्चुअल एम्ब्रायो बनाने वाले भाग को इंडोस्पर्म की ओर धकेलती है। जैसे इस फिगर पर ध्यान देना है, मान लिया जाए हम यहां पर एक लाइन खींच रहे हैं, ठीक है। देखो ये एक लाइन हम यहां पर खींचे, ठीक है। तो अब इस लाइन के ऊपर वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है ना ऊपर का रेड वाला भाग, ये एक्चुअल एम्ब्रायो बनाने वाला सेल्स है, ठीक। और उसकी लाइन के नीचे का जो भाग है ना, ये एक्चुअल एम्ब्रायो नहीं बनाएगी, ये वाली सेल्स एक्चुअल एम्ब्रायो नहीं बनाएगी। तो जो सेल्स एक्चुअल एम्ब्रायो नहीं बनाती है वह क्या करती है, एक्चुअल एम्ब्रायो बनाने वाली सेल्स को इंडोस्पर्म की ओर धकेलती है। यानी कि ये जो नीचे वाली सेल्स है ना, ये क्या करेगी, ये ऊपर के सेल्स को इंडोस्पर्म की ओर धकेलती जाती है। तो ये जो ऊपर की सेल्स है यह इंडोस्पर्म से फूड को लगातार लेते जाती है और लगातार ये ऊपर वाली सेल्स ग्रोथ करते जाएगी, डिवीजन करते जाएगी और धीरे धीरे इससे एक्चुअल एम्ब्रायो बनेगा। और नीचे वाली ये सब जो सेल्स है ये एक्चुअल एम्ब्रायो बनाती नहीं है। हम इस तरह के सेल्स को कहते हैं सस्पेंसर सेल्स। इस तरह के सेल्स को क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल्स। तो सस्पेंसर सेल्स का काम है एक्चुअल एम्ब्रायो बनाने वाले सेल्स को इंडोस्पर्म की ओर धकेलना
और ये जो सस्पेंसर सेल्स होती है ना, ये बाहर से अगल बगल से, यानी कि ये जो ओव्यूल का जो बचा हुआ कुछ भाग होता है ना, अगर इसमें कुछ फूड है तो उस फूड को भी अब्जॉर्ब करके एम्ब्रायो को, यानी एक्चुअल एम्ब्रायो को देने का प्रयास करती है। ठीक, तो हम बोले कि प्रो एम्ब्रायो का कुछ सेल्स, कुछ प्रो एम्ब्रायो की कुछ सेल्स ऐसी होती है जो कि एक्चुअल एम्ब्रायो बनाती है, और कुछ सेल्स ऐसी होती है जो कि एक्चुअल एम्ब्रायो बनाने वाले सेल्स को ऊपर की ओर, यानी कि एंडोस्पर्म की ओर धकेलती है। तो इस तरह के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल बोलते हैं। और एम्ब्रायो के इस प्रकार के डेवलपमेंट को, एम्ब्रायो के इस प्रकार के डेवलपमेंट को ही हम कहते हैं एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। इस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि ये जो सस्पेंसर सेल है ना, ये एक्चुअल एम्ब्रायो बनाने वाले सेल्स को धकेल रही है किसकी ओर, एंडोस्पर्म की ओर। ये जो धकेला जाता है ना, इसी वजह से हम इस डेवलपमेंट को बोलते हैं एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। जरा सा यहां पढ़ देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है, प्रो एम्ब्रायो का कुछ सेल्स, प्रो एम्ब्रायो का कुछ भाग एक्चुअल एम्ब्रायो में विकसित होता है, और कुछ भाग एक्चुअल एम्ब्रायो में विकसित नहीं होता है। जो भाग एक्चुअल एम्ब्रायो में विकसित नहीं होता है, ठीक है, उसकी सेल्स एक्चुअल एम्ब्रायो को एंडोस्पर्म की ओर धकेलती है, ठीक है, और ऐसी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंसर सेल बोलते हैं। ठीक है, और एम्ब्रायो के इस प्रकार के डेवलपमेंट को ही एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट कहते हैं। और क्या लिखा है, सस्पेंसर सेल्स बाहर से फूड को ग्रहण करने का भी कार्य करती है। इतना समझ में आया। ठीक, अब इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, मीरोब्लास्टिक एम्ब्रायो डेवलपमेंट। इसके आगे है म्यूरोब्लास्टिक एम्ब्रायो डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है, देखो हम तो इतना समझ गए ना कि प्रो एम्ब्रायो की सभी सेल्स एक्चुअल एम्ब्रायो नहीं बनाती है, मतलब प्रो एम्ब्रायो की कुछ सेल्स ऐसी होती है जो एक्चुअल एम्ब्रायो बनाती है, और कुछ सेल्स ऐसी होती है जो एक्चुअल एम्ब्रायो नहीं बनाती है, वो कुछ अलग कार्य करती है। तो एम्ब्रायो के इस प्रकार के डेवलपमेंट को ही हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक एम्ब्रायो डेवलपमेंट। यहाँ धकेलने वाला कोई बात नहीं है, ठीक है, हम बोले कि प्रो एम्ब्रायो की कुछ सेल्स, यानी प्रो एम्ब्रायो की जो कुछ सेल्स होती है वो एक्चुअल एम्ब्रायो बनाती है, और कुछ सेल्स होती है जो कि कुछ अलग टाइप के कार्य को करती है। ठीक है, यानी कि प्रो एम्ब्रायो की सभी सेल्स एक्चुअल एम्ब्रायो बनाती नहीं है। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक एम्ब्रायो डेवलपमेंट। देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, प्रो एम्ब्रायो की कुछ सेल्स एक्चुअल एम्ब्रायो का निर्माण करती है, और कुछ सेल्स अन्य कार्य करती है। मतलब कुछ ही सेल्स एक्चुअली एम्ब्रायो बनाएगी, और कुछ सेल्स अन्य कार्य करती है। तो एम्ब्रायो के इस प्रकार के डेवलपमेंट को ही हम मीरोब्लास्टिक एम्ब्रायो डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, हायर प्लांट्स यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होता है ना, उसमें इस प्रकार का डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। अब कुछ लोअर प्लांट होते हैं, कुछ लोअर प्लांट जैसे कि फ्यूनेरिया, ब्रायोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट है फ्यूनेरिया, काफ़ी वो लोएस्ट प्लांट होता है। ठीक है, तो फ्यूनेरिया में क्या होता है कि जो प्रो एम्ब्रायो होता है ना, प्रो एम्ब्रायो का सभी सेल्स, प्रो एम्ब्रायो की सभी सेल्स एक्चुअल एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार के एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को हम कहते हैं होलोब्लास्टिक एम्ब्रायो डेवलपमेंट। इस प्रकार के एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे, होलोब्लास्टिक एम्ब्रायो डेवलपमेंट। और जब प्रो एम्ब्रायो की कुछ सेल्स एक्चुअल एम्ब्रायो बनाए और कुछ सेल्स अन्य कार्य करे, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलेंगे मीरोब्लास्टिक एम्ब्रायो डेवलपमेंट। इतना में किसी को दिक्कत नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है, हम अगले पेज के साथ आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, मतलब एम्ब्रायो का विकास ओव्यूल के अंदर में किस तरह से होता है। पहले समझते हैं कि डाइकोट और मोनोकोट क्या होता है। हम क्या करते हैं, एक मटर के दाने को लेते हैं, यानी कि हम किसी भी दाल के एक बीज को लिए, उसके बाहर से एक छिलका को हटाते हैं और अंदर वाले हिस्सा पर एक ठोकर मारते हैं। जैसे ठोकर मारेंगे ना, तो दाल का वो जो एक दाना होता है वह बीच से कट जाएगा, टूट जाएगा, और दो हाफ हाफ पार्ट में वो बट जाएगा।
इस दोनों हाफ हाफ पार्ट को हम बोलते हैं कॉटिलीडन, यानी दाल के एक बीज में कितना कॉटिलीडन, दो कॉटिलीडन, दाल के एक बीज में कितना कॉटिलीडन, दो कॉटिलीडन। अब हम क्या करते हैं, एक धान लेते हैं, धान के छिलका को हटाएंगे, अंदर से चावल निकलेगा, तो वो जो चावल है उस पर ठोकर मारेंगे, तो क्या दाल के ही समान एक चावल का जो दाना होता है वह बीचों बीच टूटता है, नहीं टूटता है, वो जहां तहां से टूट जाएगा, लेकिन कि बीचों बीच एक खास जगह से वो टूटता नहीं है, क्योंकि उसमें वो उस तरह से खास भाग पहले से बना हुआ रहता ही नहीं है। तो चावल के एक दाने में केवल एक कॉटिलीडन है, यानी कि चावल का जो एक बीज है ना उसके अंदर में केवल एक कॉटिलीडन होता है, लेकिन दाल के एक बीज के अंदर में कितना कॉटिलीडन, दो कॉटिलीडन होता है। तो वह सभी पौधा जिसके एक बीज में दो कॉटिलीडन रहता है, ऐसे पौधे को हम कहते हैं डाइकॉट प्लांट। जिस पौधे के बीज के अंदर में दो कॉटिलीडन होगा उसको बोलेंगे डाइकॉट प्लांट, और जिस पौधा के बीज के अंदर केवल एक कॉटिलीडन होगा उसको बोलेंगे मोनोकॉट प्लांट। तो बीज के अंदर में एम्ब्रायो है, अब एम्ब्रायो एम्ब्रायो का ही हिस्सा होता है कॉटिलीडन, कॉटिलीडन जो है ना वो वास्तव में एम्ब्रायो का ही हिस्सा होता है। तो दाल के एम्ब्रायो में दो कॉटिलीडन होगा और अनाज वाले फसल के एम्ब्रायो में केवल एक कॉटिलीडन होगा। तो हम लोग डाइकॉट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को डिटेल्स में पढ़ेंगे और मोनोकॉट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट को भी पढ़ेंगे, लेकिन कि इसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले नहीं है। चित्र यहाँ पर बना हुआ है, ये जो फिगर है ये डाइकॉट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का फिगर है, मोनोकॉट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का फिगर इतना डिटेल्स में नहीं बनाएंगे, लेकिन समझने के लिए जो बनाना चाहिए वो हम फिगर बना देंगे। ठीक, तो फिगर देख करके घबराना नहीं है, सब चीज समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ठीक, यहाँ क्या लिखे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो है ना, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। अब एक तरफ से देखो, समझते चलना कि क्या हम बोल रहे हैं, एम्ब्रायो का निर्माण ओव्यूल के मैक्रोपाइल वाले छोर पर होता है, एम्ब्रायो का निर्माण ओव्यूल के मैक्रोपाइल वाले छोर पर होता है, जहां पर कि जैगोट प्रेजेंट रहता है। जैगोट किधर प्रेजेंट रहेगा, मैक्रोपाइल वाले छोर पर, तो फिर एम्ब्रायो कहां बनेगा, मैक्रोपाइल वाले छोर पर। ठीक है, उसके बाद जायगोट से एम्ब्रायो जब बनता है तो जायगोट कुछ समय तक रेस्टिंग पीरियड में रहता है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो फिर वो एम्ब्रायो में चेंज कर जाता है। रेस्टिंग पीरियड में क्यों रहता है, ताकि इंडोस्पर्म का सही से निर्माण हो सके। ठीक, अब देखो मोनोकॉट प्लांट और डाइकॉट प्लांट दोनों के एम्ब्रायो डेवलपमेंट का शुरुआती अवस्था एक जैसा देखने के लिए मिलता है, यानी कि चाहे प्लांट हो मोनोकॉट या फिर डाइकॉट, दोनों के एम्ब्रायो डेवलपमेंट की जो प्रारंभिक अवस्थाएं होती है वो एक समान होती है, लेकिन कि जैसे जैसे वो अवस्था आगे बढ़ता है, प्रोसेस आगे बढ़ता है, तो डाइकॉट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का तरीका अलग हो जाता है और मोनोकॉट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का तरीका अलग हो जाता है। अभी जो फिगर है यहाँ पर, ये डाइकॉट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का फिगर है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो, ये डाइकॉट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का फिगर है, मोनोकॉट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के फिगर में कुछ अंतर होगा, वो फिगर बना हुआ नहीं है और उसका डिटेल्स में बनाएंगे भी नहीं, लेकिन कि जितना सा से समझ में आ सके, जितना सा का जरूरत है उतना सा हम लास्ट में फिर बनाएंगे। ठीक, तो अभी हम लोग देखते हैं कि डाइकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता किस तरह से है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक जायगोट है, ओव्यूल में जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है जायगोट बनता है ना, मैक्रोपाइल वाले छोर पर जायगोट बनता है, तो यही क्या है, जायगोट है। अब जैसे ही जायगोट बनेगा तो फिर पहले इंडोस्पर्म विकसित होगा, और जब इंडोस्पर्म बन जाएगा फिर वहां से जायगोट को फूड मिलेगा, और फूड लेकर के फिर अब जायगोट में डिवीजन होना शुरू होगा। तो जैसे जायगोट में फर्स्ट डिवीजन होता है, यहाँ पर अब जितना भी डिवीजन होगा वो सभी माइटोसिस होगा। याद रखना कि जायगोट से एम्ब्रायो का जब डेवलपमेंट होता है तो हमेशा माइटोसिस डिवीजन होता है, तो फर्स्ट डिवीजन जो होता है जायगोट में वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। ये सब बात याद रखना, फर्स्ट, ये सबका भाषा नहीं लिखाएंगे, ये जितना भी फिगर में प्रोसेस हम बता रहे हैं सबका भाषा नहीं लिखाएंगे, तो इसको ध्यान से समझते चलना है।
फर्स्ट डिवीजन जो होगा जायगोट में वो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, मतलब इस तरफ से यानी कि इधर से। अगर ऊपर से नीचे डिवीजन होगा तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, ठीक है। ऊपर से नीचे को विभाजन होगा उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन, और अगर इधर से डिवीजन होगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स डिवीजन। तो जायगोट में फर्स्ट डिवीजन कैसा हुआ? ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। जैसे ही ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो जायगोट में दो सेल बन जाएगा, ठीक है। तो दो सेल हम देख रहे हैं, हम यहाँ कलर चेंज कर दिए हैं, एक ऊपर साइड जो एक छोटी सेल बनी हुई है और एक नीचे में बड़ी सेल बनी हुई है। इस छोटी सेल को हम बोलते हैं टर्मिनल सेल। तो ये टर्मिनल सेल किस ओर होगी? ये टुवार्ड्स कलाजा यानी कि कलाजा वाले छोर की ओर होगी, यानी कि ऊपर साइड होगी। और बड़ी सेल्स जो है इसको बोलते हैं बेसल सेल्स। ये बेसल सेल्स किस ओर होगी? टुवार्ड्स माइक्रोपाइल, यानी कि ये माइक्रोपाइल की ओर होगी, ठीक है। हम देख रहे हैं कि जायगोट में फर्स्ट डिवीजन जैसे हुआ तो वो ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने से एक छोटी सेल और एक बड़ी सेल का निर्माण हुआ। छोटी सेल को हम बोलेंगे टर्मिनल सेल और बड़ी सेल को बोलेंगे बेसल सेल। अब जैसे कि हम बताएं ना कि प्रो एम्ब्रायो की कुछ सेल्स ही होती है जो कि एक्चुअल एम्ब्रायो बनाती है, और कुछ सेल्स ऐसी होती जो कि दूसरा काम करती है, ठीक है। वो क्या काम करेगी? वो एक्चुअल एम्ब्रायो बनाने वाले सेल को एंडोस्पर्म की ओर धकेलती है और बाहर से फूड को अब्सॉर्ब करने का काम करती है। तो ये जो बेसल सेल है, बेसल सेल एक्चुअल एम्ब्रायो नहीं बनाती है, बेसल सेल एक्चुअल एम्ब्रायो नहीं बनाती है। इससे आगे चल करके सस्पेंसर सेल का निर्माण होगा, ठीक। और ये जो टर्मिनल सेल है, ये टर्मिनल सेल ही आगे चल करके एक्चुअल एम्ब्रायो का निर्माण करती है, ठीक। तो अभी हम देखते हैं कि दो सेल बन चुका है, अब ये हम इसको टू सेल्ड एम्ब्रायो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पूरा को टू सेल्ड एम्ब्रायो। अब फिर आगे जैसे डिवीजन होगा तो ये जो टर्मिनल सेल है, इस टर्मिनल सेल में अब नेक्स्ट डिवीजन लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ये टर्मिनल सेल है, देखो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, मतलब फिगर में समझ में आ रहा है कि यहाँ ऊपर से नीचे के विभाजन हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ, ठीक है। टर्मिनल सेल में लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ और फिर यहाँ दो सेल का निर्माण हो गया, ठीक। और फिर ये जो बेसल सेल है, इस बेसल सेल में ट्रांसवर्स डिवीजन ही हुआ। बेसल सेल में हमेशा क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। बेसल सेल में हमेशा ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो यहाँ जैसे ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ तो फिर बेसल सेल से फिर दो अलग सेल बन गया। इस दोनों सेल को हम बोलेंगे सस्पेंसर सेल। इस दोनों सेल को क्या बोलेंगे? सस्पेंसर सेल। हालांकि ये पूरा जो है ना, ये पूरा अभी एम्ब्रायो ही है, प्रो एम्ब्रायो। इस प्रो एम्ब्रायो में टोटल कितना सेल है? 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रायो का निर्माण हुआ, जिसमें से एक्चुअल एम्ब्रायो बनाने वाला जो सेल है वो दो ही है। तो हम यहाँ लिख दिए हैं टू सेल्ड एम्ब्रायो। तो ये जो टू सेल्ड एम्ब्रायो या टू सेल्ड प्रो एम्ब्रायो जो है ना, ये एक्चुअल एम्ब्रायो बनाने वाला सेल है, ठीक है। और फिर बाकी जो दो है ये सस्पेंसर सेल है। हम इस पूरे को हम 4 सेल्ड एम्ब्रायो भी बोल सकते हैं। अब ये मत बोलना कि 2 सेल्ड एम्ब्रायो क्यों लिखे, क्योंकि यही एक्चुअल प्रो एम्ब्रायो बनाने वाला सेल है, ठीक है। ये जो दो सेल है ना, यही एक्चुअल एम्ब्रायो बनाने वाला सेल है, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये जो सस्पेंसर सेल है, अभी ब्लू वाले को छोड़ देते हैं। ये जो एक्चुअल एम्ब्रायो बनाने वाला सेल है, अभी इसको हम छोड़ते हैं, जरा सा सस्पेंसर सेल पर ध्यान देते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर और समझ लो, मोनोकोट प्लांट अगर रहेगा, मोनोकोट एम्ब्रायो जो होगा उसमें ये बेसल सेल डिवाइड नहीं होती है। मोनोकोट एम्ब्रायो में ये बेसल सेल डिवाइड नहीं होती है, और डायकोट एम्ब्रायो में ये बेसल सेल डिवाइड होकर के सस्पेंसर सेल का निर्माण करती है, ठीक। अब देखते हैं कि पहले सस्पेंसर सेल में आगे किस तरह का डिवीजन होता है। ये जो दो सस्पेंसर सेल यहाँ दिखाई पड़ रहा है, इसमें कई बार डिवीजन होता है, कई बार ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो बहुत सारी सेल्स बन जाएगी, यहाँ पर देखो बहुत सारी सेल्स बन गई ना, इन सभी सेल्स को हम कहते हैं सस्पेंसर सेल्स। मतलब सस्पेंसर सेल्स तो ये भी है, सस्पेंसर सेल्स में कई बार डिवीजन हुआ और बहुत सारी सस्पेंसर सेल्स का निर्माण हो गया। तो सस्पेंसर सेल्स का नंबर कितना हो सकता है? तो 6 से 10 सेल्स हो सकता है, यानी कि सस्पेंसर सेल का टोटल नंबर कितना होगा? 6 से 10 होगा, जिसमें से, अब ध्यान देना, जिसमें से
सबसे ऊपर वाला फिगर में सबसे ऊपर वाला दिखाई पड़ रहा है सस्पेंसर सेल में, जो सबसे ऊपर का जो सेल है जो कि एक्चुअल एम्ब्रायो से कनेक्ट है, जो एक्चुअल एम्ब्रायो के संपर्क में है, उस सेल को हम बोलते हैं हाइपोफिजिस, उस सेल को बोलेंगे हाइपोफिजिस। और जो एक्चुअल एम्ब्रायो से बिल्कुल अपोजिट साइड वाला ये जो सस्पेंसर सेल है, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और हम इसको बोलते हैं होस्टोरियल सेल, इसको बोलते हैं होस्टोरियल सेल। ये जो होस्टोरियल सेल है ना, इसको हम वेसिकुलर सेल, यहाँ देखो लिखा है वेसिकुलर सेल। ये जो होस्टोरियल सेल है ये बाहर से फूड को ग्रहण करने का काम करती है। ठीक, तो अभी हम लोग समझे कि सस्पेंसर सेल में कई बार डिवीजन होता है और 6 से 10 सेल्स का निर्माण होता है, और जिसमें से जो एम्ब्रायो के कांटेक्ट में, जो एक्चुअल एम्ब्रायो के कांटेक्ट में जो सेल है उसको बोलेंगे हाइपोफिजिस, और जो एक्चुअल एम्ब्रायो के बिल्कुल अपोजिट साइड में सेल है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं होस्टोरियल सेल। ये बाहर से फूड को ग्रहण करने का काम करती है। ठीक, अभी देख रहे हैं कि फिर डिवीजन जैसे हुआ, अभी यहाँ पर कितना सेल है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ये हो गया फिर हाइपोफिजिस, ये हो गया होस्टोरियल सेल या फिर वेसिकुलर सेल। ठीक है, अब जरा से ऊपर के डिवीजन को हम लोग देखते हैं, ये है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के सेल में भी कई बार डिवीजन होता है, तो जब एम्ब्रायो के सेल में कई बार डिवीजन होगा तो एक गोल साइज का एम्ब्रायो बनता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो गोल साइज का एम्ब्रायो दिखाई पड़ रहा है, हम इसको बोलते हैं ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रायो, ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रायो। अब ये जो एम्ब्रायो है ना, ये थोड़ा सा राउंड टाइप से हो गया है, इसको बोलते हैं ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रायो। ठीक, यही जो एम्ब्रायो है ये आगे चल करके एक मैच्योर एम्ब्रायो में चेंज करेगा, और उस मैच्योर एम्ब्रायो में रेडिकल और प्लूमुल का निर्माण होगा, रेडिकल से रूट बनेगा, प्लूमुल से सूट बनेगा और एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो रेडिकल, ध्यान से सुनो मेरी बात, रेडिकल जो होता है ना, रेडिकल के ऊपर एक कैप लगा होता है जिसको बोलते हैं रूट कैप, रेडिकल के ऊपर एक कैप लगा होता है जिसको बोलते हैं रूट कैप। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो हाइपोफिजिस है ना, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप, यानी कि रेडिकल के ऊपर जो रूट कैप लगा रहता है उस रूट कैप का निर्माण कौन करेगा, ये हाइपोफिजिस वाला सेल करेगा। तो ये जो हाइपोफिजिस वाला सेल है ये जरूर सस्पेंसर सेल है, लेकिन ये सस्पेंसर सेल में से जो हाइपोफिजिस वाला सस्पेंसर सेल है ये आगे चल करके एक्चुअल एम्ब्रायो का हिस्सा बन जाती है। ये जो सस्पेंसर सेल, जो हाइपोफिजिस वाला सस्पेंसर सेल है, ये आगे चल करके रूट कैप का निर्माण करेगा। ठीक है, रूट कैप का निर्माण करेगा, और रूट कैप एक्चुअल एम्ब्रायो का हिस्सा होता है। ठीक, अभी आगे के फिगर में देखेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे, चलो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट फिगर पर हम आते हैं। अब ये जो ग्लोबुलर सेप, अब ये जो सस्पेंसर सेल है ना, अब इसमें आगे परिवर्तन नहीं होगा, ये इसी तरह का रहेगा। परिवर्तन होगा किसमें, ये जो एक्चुअल एम्ब्रायो है ना, इसमें परिवर्तन होगा। अभी एम्ब्रायो किस सेप का है, ग्लोबुलर सेप एम्ब्रायो है। फिर यहाँ पर और डिवीजन होगा, धीरे धीरे यहाँ पर कॉटिलीडन का फॉर्मेशन शुरू होगा, जिससे कॉटिलीडन बनने लगेगा, तो यहाँ पर बीच में से धसा उत्पन्न होगा। जैसे बीच में धसा उत्पन्न हुआ तो ये जो एम्ब्रायो है अब ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो बन गया, बना कि नहीं। अब जैसे यहाँ पर कॉटिलीडन बनना शुरू होगा तो इसमें धसा उत्पन्न होगा, जैसे यहाँ धसा उत्पन्न होगा तो ये एम्ब्रायो किस रूप में चेंज कर गया, हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो में चेंज कर गया। अभी हम एक सेल का यहाँ पर नाम लिखे हैं हाइपोफिजिस, यही हाइपोफिजिस सेल है। ठीक, हाइपोफिजिस सेल पर भी ध्यान देना है, और देखेंगे कि लास्ट में हाइपोफिजिस सेल में किस तरह का चेंजिंग हो जाता है। ठीक, अब ये जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो है, इसमें यहाँ की सेल्स में और डिवीजन होगा, धीरे धीरे ये धसा और गहरा हो जाएगा, और जैसे गहरा होगा तो ये एक टॉर्पेडो शेप्ड एम्ब्रायो बन जाता है। हम जैसे यहाँ पर ये जो हर्ट शेप्ड एम्ब्रायो है ना, इसमें बहुत सारा हम सेल्स बना के रखे हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। अब कितना सेल बनाए कोई जरूरत नहीं है, बस एक शेप हम बना रहे हैं वही काफ़ी है। ठीक है, तो ये जैसे गहरा होगा तो एक इस आकृति का एक एम्ब्रायो बन जाएगा, हम इस आकृति को बोलते हैं टॉर्पेडो शेप्ड एम्ब्रायो। पहले किस शेप का था एम्ब्रायो, ग्लोबुलर, फिर कैसा हो गया हर्ट शेप्ड, फिर कैसा हो गया टॉर्पेडो शेप्ड एम्ब्रायो। यहाँ पर ये वाले सेल क्या है, हाइपोफिजिस।
अब जैसे ये और ग्रोथ करता है, जैसे ये और ग्रोथ करता है, चूंकि ओव्यूल के अंदर में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता, इसलिए इस तरह से झुक जाता है। ये इस तरह से क्या होगा, झुक जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो झुक गया, झुका ना। अब ये जो एम्ब्रायो है इसको हम बोलते हैं हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो, और यही मैच्योर एम्ब्रायो होता है। ये जो है एम्ब्रायो, हम इसको समझा देंगे अभी, ये क्या है, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो, और यही क्या है, मैच्योर एम्ब्रायो। तो एम्ब्रायो के अलग अलग शेप को जरा सा हम एक बार रिपीट कर देते हैं। एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान पहले ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रायो बनता है, ठीक है, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो बनता है, फिर टॉरपेडो शेप्ड एम्ब्रायो बनता है, और लास्ट में जो मैच्योर एम्ब्रायो होता है वो हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो होता है। और ये जो हॉर्स शू शेप्ड मैच्योर एम्ब्रायो है, ये डायकॉट एम्ब्रायो है। ये क्या है, डायकॉट एम्ब्रायो। यहाँ पर यही कॉटिलीडन बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये कॉटिलीडन। तो यहाँ पर ये दो पीस क्या हो गया, कॉटिलीडन। अब दो कॉटिलीडन है तो ये निश्चित रूप से डायकॉट एम्ब्रायो है, बोले ना कि ये डायकॉट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का फिगर है। तो अब जरा सा ध्यान से समझना है, इस फिगर को ध्यान से समझना है। अभी इधर का प्रोसेस समझ में आया कि नहीं, आया ना, ठीक। तो इस फिगर पर हम आते हैं, ये जो डायकॉट मैच्योर एम्ब्रायो होता है उसकी आकृति कैसी होती है, तो हॉर्स शू शेप्ड, ठीक है। और ये जो डायकॉट मैच्योर एम्ब्रायो होता है ना, इस एम्ब्रायो के दो भाग होते हैं। क्या लिखा हुआ है अभी मत ध्यान देना, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उतना सा ही समझना है, सब कुछ हम समझा देंगे। तो डायकॉट मैच्योर एम्ब्रायो जो होता है उसके दो भाग होते हैं, कौन कौन, तो एक है एम्ब्रायोनल एक्सिस जिसे हम टिजिलम भी कहते हैं, और दूसरा है कॉटिलीडन। एक होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस और दूसरा है कॉटिलीडन। ये दो पीस क्या है, कॉटिलीडन। और अब ये एम्ब्रायोनल एक्सिस क्या है, देखो कॉटिलीडन यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक कॉटिलीडन यहाँ तक, फिर दूसरा कॉटिलीडन यहाँ तक, तो कॉटिलीडन स्टार्ट हुआ इसके ऊपर। चलो हम एक कॉटिलीडन का लेवल बनाते हैं, कॉटिलीडन का चलो हम लेवल बना रहे हैं, ये रेड लाइन से जो हम डॉटेड लाइन से खींचे हैं ना, ये क्या है, लेवल ऑफ कॉटिलीडन। तो हम लिख देते हैं इसको, ये जो रेड लाइन से लिखे हैं ये क्या है, लेवल ऑफ कॉटिलीडन, ठीक है, ये है लेवल ऑफ कॉटिलीडन। मतलब कॉटिलीडन के अब यहाँ से, मतलब यहाँ से उधर कॉटिलीडन स्टार्ट हुआ और इधर कॉटिलीडन नहीं था, मतलब ये सब कॉटिलीडन नहीं है। कॉटिलीडन स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब इसके ऊपर कॉटिलीडन हो गया, ये एक कॉटिलीडन हो गया, फिर ये दूसरा कॉटिलीडन हो गया, तो रेड डॉटेड लाइन क्या है, लेवल ऑफ कॉटिलीडन। तो हम बोले कि लेवल ऑफ कॉटिलीडन के ऊपर का जो भाग होता है ना, यानी कि हम कॉटिलीडन को छोड़ देते हैं, ठीक है, कॉटिलीडन को छोड़ते हैं, कॉटिलीडन को छोड़ देंगे तो बाकी जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, एम्ब्रायोनल एक्सिस। जैसे देखो हम इतना सा छोड़ दी, ये वाला एक कॉटिलीडन को फिलहाल अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिर यहाँ से इतना सा भाग जो कॉटिलीडन है हम इसको भी छोड़ देते हैं, इसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये जो उठा हुआ भाग है ये तो शामिल हो गया। तो ये वाला जो भाग, ये जो पूरा भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा भाग है यही कहलाता है एम्ब्रायोनल एक्सिस, जिसे हम टिजिलम भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या कहलाएगा, एम्ब्रायोनल एक्सिस, इसे हम टिजिलम भी बोलते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रायोनल एक्सिस का जो कॉटिलीडन के लेवल से ऊपर का भाग होता है, एम्ब्रायोनल एक्सिस का, ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रायोनल एक्सिस का जो कॉटिलीडन के लेवल से ऊपर का भाग होता है उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल, उसे क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल। और एम्ब्रायोनल एक्सिस का लेवल ऑफ कॉटिलीडन के नीचे का जो भाग होता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ईपी का मतलब होता है ऊपर, कॉटी का मतलब हो गया, का मतलब हो गया कॉटिलीडन, ठीक है। तो ये जो लेवल ऑफ कॉटिलीडन है, तो एम्ब्रायोनल एक्सिस का वह भाग जो कि लेवल ऑफ कॉटिलीडन के ऊपर होता है, यानी कि ये वाला भाग, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। और एम्ब्रायोनल एक्सिस का वह भाग जो लेवल ऑफ कॉटिलीडन से नीचे रहता है, ये वाला भाग, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब होता है नीचे, ठीक है, एपी का मतलब ऊपर और हाइपो का मतलब होता है नीचे। तो ये एम्ब्रायोनल एक्सिस का जो भाग
लेवल ऑफ कॉटिलेडन के ऊपर रहता है उसको हम बोलेंगे एपिकोटाइल, आ जो भाग नीचे रहता है उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल। अब देखो, अब ये जो हाइपोकोटाइल है ये पूरा कहला गया हाइपोकोटाइल, तो हाइपोकोटाइल बड़ा है और एपिकोटाइल छोटा सा भाग होता है। तो हाइपोकोटाइल का जो शीर्ष भाग होता है, हाइपोकोटाइल का जो छोर है, ठीक है, हाइपोकोटाइल का ये जो छोर है, ये वाला भाग जो छोर है इसको बोलते हैं रेडिकिल। हाइपोकोटाइल का जो छोर है ना, ये छोर, इसको बोलते हैं क्या, रेडिकिल। और एपिकोटाइल का जो शीर्ष भाग होता है, एपिकोटाइल ये है, ये क्या है, एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल का जो शीर्ष भाग, ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं प्लूमुल, इसको बोलते हैं प्लूमुल। हम बोले थे ना कि एम्ब्रायो में एक रेडिकिल बनता है, एक प्लूमुल बनता है। रेडिकिल आगे चल करके रूट सिस्टम बनाएगा, प्लूमुल आगे चल करके शूट सिस्टम बनाएगा, ठीक। तो वहीं पर हम बोल रहे हैं कि हाइपोकोटाइल का जो शीर्ष भाग होता है उसको बोलते हैं रेडिकिल, और एपिकोटाइल का जो शीर्ष भाग होता है उसको बोलते हैं प्लूमुल। अब ये जो रेडिकिल है, रेडिकिल के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्लू कलर से देखो, ये वाला भाग देखो, इतना सा भाग, ये क्या है, यहाँ रूट कैप लिखे हैं, यानी रेडिकिल के ठीक ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं रूट कैप। और इस रूट कैप का फॉर्मेशन किससे होता है, ये हाइपोफिजिस से होता है। यहाँ जो हाइपोफिजिस वाला सेल है ना, यही हाइपोफिजिस सेल आगे चल करके एक्चुअल एम्ब्रायो का हिस्सा बन जाती है और वो रूट कैप बनाती है। यहां पर लिखे थे ना कि हाइपोफिजिस क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप। तो यही हाइपोफिजिस वाला सेल ये रूट कैप बना लिया और ये एक्चुअल एम्ब्रायो का हिस्सा बन गया। और बाकी ये सभी जो सेल है ये अब एक्चुअल एम्ब्रायो नहीं है, ये सब क्या है, बाकी सस्पेंसर सेल, ठीक है। तो एक्चुअल एम्ब्रायो ब्लू वाला हिस्सा हो गया और ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है ना, अब ये एक्चुअल एम्ब्रायो नहीं है, ये सब क्या है, सस्पेंसर सेल। तो ये जो एक्चुअल एम्ब्रायो है इसी से आगे चल करके न्यू प्लांट का निर्माण होगा। तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअल एम्ब्रायो में एक रेडिकिल है, एक प्लूमुल है। रेडिकिल जब आगे ग्रोथ करेगा, जब सीड जर्मिनेट होगा, जब बीज अंकुरित होगा, तो रेडिकिल से रूट सिस्टम बनेगा, जड़ बन जाएगा, और प्लूमुल से शूट सिस्टम यानी कि तना और पत्ती का निर्माण हो जाएगा और एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये सब समझ में आ रहा है, देख रहे हैं कि यहाँ दो कॉटिलीडन है और फिर बाकी ये सब जो भाग बच गया यही कहला गया एम्ब्रायोनल एक्सिस। एम्ब्रायोनल एक्सिस में हम क्या देख रहे हैं, तो एक लेवल ऑफ कॉटिलीडन है, तो इसके ऊपर का भाग जो है वो कहला गया एपिकोटाइल, नीचे का भाग कहला गया हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल का शीर्ष भाग कहला गया रेडिकिल, जिसके ऊपर एक कैप प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं रूट कैप, और एपिकोटाइल का जो शीर्ष भाग वो कहला गया प्लूमुल, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लो, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक। तो अब हम लोग इसके नोट्स पर ध्यान देते हैं, इतना यह सब चीज समझ में आया ना, इसके नोट्स पर हम लोग ध्यान देते हैं कि आखिर इसका नोट्स हम किस तरह से बनाएंगे। ये फिगर जो है ये डेवलपमेंट ऑफ डायकोट एम्ब्रायो को शो कर रहा है, इसका हम नोट्स किस तरह से बनाएंगे। हम लोग डायकोट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का भी नोट्स बनाएंगे और मोनोकोट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का भी नोट्स बनाएंगे। तो मोनोकोट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट का चित्र तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन कि हम शॉर्ट में उसका फिगर भी बना देंगे, ठीक है। तो नोट्स पर आते हैं, तो अब हम लोग एम्ब्रायो डेवलपमेंट के पूरे नोट्स को देख लेते हैं, ठीक है। जो फिगर था वो तो हम मिटा दिए, लेकिन हम उसको छोटा करके स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक। लास्ट वाले फिगर का ही जो बात है वो नोट्स में लिखा हुआ है, ये जितना कुछ भी लिखा हुआ है ये सब एनसीईआरटी बुक का लाइन है, ये सब एनसीईआरटी बुक में ही लिखा हुआ है, ठीक है। हम अपने मन से अलग से कुछ भी लिखे नहीं है, सब एनसीईआरटी बुक का है। तो एक तरफ से हम पढ़ते हैं एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, डायकॉट में भी देखेंगे, मोनोकॉट में भी देखेंगे। पहले कुछ और भाषा लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रायो सेक के माइक्रोपाइलर एंड पर विकसित होता है, जहां जायगोट स्थित होता है। सही बात है, एम्ब्रायो कहां पर बनेगा, जहां जायगोट है। जायगोट कहां पर है, माइक्रोपाइलर एंड पर है, ठीक। अब देखो क्या है, अधिकतर जायगोट तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक एंडोस्पर्म विकसित हो जाता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रायो को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। यानी कि जायगोट में डिवीजन तब होता है जब एंडोस्पर्म एक निश्चित सीमा तक वृद्धि कर सके।
पहले एंडोस्पर्म विकसित हो जाएगा, उसके बाद वहीं से भोजन मिलेगा और फिर जाकर के जायगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। जायगोट में इस तरह का अनुकूलन होता है, अनुकूलन इसलिए होता है ताकि एम्ब्रायो को भोजन मिल सके। फिर देखो क्या है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट की प्रारंभिक अवस्था मोनोकोट तथा डायकोट दोनों में समान होती है, यानी एम्ब्रायो का डेवलपमेंट डायकोट में भी होता है मोनोकोट में भी होता है, तो शुरुआती अवस्था दोनों का एक समान होता है, लेकिन बाद में दोनों के तरीके में अंतर हो जाता है। ठीक, जायगोट प्रो एम्ब्रायो के रूप में वृद्धि करता है, जायगोट जैसे नया नया एम्ब्रायो बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रायो। ठीक है, और फिर इसके पश्चात यह ग्लोब्यूलर शेप्ड, हार्ट शेप्ड तथा मैच्योर एम्ब्रायो यानी कि हॉर्स शू शेप्ड में वृद्धि करता है। हम क्या बताए थे, फर्स्ट था ग्लोब्यूलर शेप्ड एम्ब्रायो, फिर था हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो, फिर था टॉरपेडो शेप्ड एम्ब्रायो और सबसे मैच्योर था हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रायो। तो ये टॉरपेडो शेप्ड एम्ब्रायो के बारे में एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ नहीं है। ठीक, तो यहाँ जो नोट्स है ना, ये सिर्फ एनसीईआरटी बुक के लाइन को हम लिखे हुए हैं, अलग से कुछ नहीं लिखे हैं। अब देखो क्या है, इन डायकोट, डायकोट एम्ब्रायो जो लास्ट एम्ब्रायो होता है ना, जो सबसे मैच्योर एम्ब्रायो होता है ना, उसी के स्ट्रक्चर के बारे में दिया है, जो डेवलपमेंट का अवस्था होता है उसके बारे में एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं गया है। जिस तरह से हम बताया कि जायगोट में फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स होता है, फिर जो है एक टर्मिनल सेल बनता है, एक बेसल सेल बनता है, बेसल सेल से आगे चल करके सस्पेंसर सेल का निर्माण होता है और जो टर्मिनल सेल है वही आगे चल करके एक्चुअल एम्ब्रायो का निर्माण करती है, और एक्चुअल एम्ब्रायो एक बार जो है वो ग्लोब्यूलर शेप्ड का हो जाएगा, उसके बाद फिर वो हार्ट शेप्ड का हो जाएगा, फिर वो टॉरपेडो शेप्ड का हो जाएगा, फिर वो लास्ट में सबसे मैच्योर हॉर्स शू शेप्ड में चेंज कर जाएगा। तो जो सबसे मैच्योर एम्ब्रायो होता है डायकोट का, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। डायकोट एम्ब्रायो जो अभी हम फिगर में लास्ट में बताए थे, उसी को हम सीधा करके एक सिंपल टाइप से यहाँ पर हम बना दिए हैं। वो जो टेढ़ा वाला था ना फिगर, वहाँ समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, और ये थोड़ा हम सीधा करके बता दिए हैं। तो इस फिगर पर भी आते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। डायकोट एम्ब्रायो में एक एम्ब्रायोनल एक्सिस यानी कि टिजिलन तथा दो कॉटिलिडन्स होते हैं, यानी कि ये जो डायकोट एम्ब्रायो होता है ना, इसमें एक होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस। एम्ब्रायोनल एक्सिस क्या है, कॉटिलिडन तो यहाँ है, ये दो पीस कॉटिलिडन है, और बाकी जो है ना ये सभी कहलाता है एम्ब्रायोनल एक्सिस, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, एम्ब्रायोनल एक्सिस कहलाएगा। ठीक है, तो वो क्या लिखा हुआ है, डायकोट एम्ब्रायो में एक एम्ब्रायोनल एक्सिस, जिस एक्सिस को क्या बोलते हैं, टिजिलम बोलते हैं, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, टिजिलम भी बोलेंगे। ठीक, एक एम्ब्रायोनल एक्सिस और दो कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक, एम्ब्रायोनल एक्सिस का कॉटिलिडन के लेवल से ऊपर का भाग एपिकोटाइल कहलाता है, और एपिकोटाइल का शीर्ष भाग प्लूमुल या स्टेम टिप कहलाता है, जो कि सूट सिस्टम का निर्माण करता है। ठीक, पहले पढ़ देते हैं, फिर एम्ब्रायोनल एक्सिस का कॉटिलिडन के लेवल से नीचे का भाग हाइपोकोटाइल कहलाता है, और हाइपोकोटाइल का शीर्ष भाग यानी कि जो लोअर एंड होता है ना, वो रेडिकल या रूट टिप कहलाता है, जो कि रूट कैप या जो कि रूट कैप से कवर्ड होता है और रेडिकल रूट सिस्टम का निर्माण करता है। क्या मतलब हुआ, ये एक डायकोट एम्ब्रायो का फिगर है। डायकोट एम्ब्रायो के दो भाग होते हैं, पहला है एम्ब्रायोनल एक्सिस या टिजिलन और दूसरा है कॉटिलिडन। यहाँ पर दो कॉटिलिडन, एक कॉटिलिडन इतना सा, दूसरा कॉटिलिडन इतना सा, बाकी जो भी भाग है ये कहला गया एम्ब्रायोनल एक्सिस। तो अब जरा सा कॉटिलिडन के लेवल को हम लोग देख लेते हैं, ये जो रेड डॉटेड लाइन से खींचे हैं ना, यही है लेवल ऑफ कॉटिलिडन। तो अब इस लाइन के ऊपर ये हो गया एक कॉटिलिडन, ये हो गया दूसरा कॉटिलिडन, और एम्ब्रायोनल एक्सिस का भी कुछ भाग यहाँ पर उभरा हुआ है कि नहीं, एम्ब्रायोनल एक्सिस का भी कुछ भाग यहाँ बीच में उभरा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एम्ब्रायोनल एक्सिस का
कॉटिलीडन के लेवल से ऊपर का जो भाग होता है ना उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। देखो यहाँ पर कॉटिलीडन के लेवल से ऊपर का जो एम्ब्रायोनल एक्सिस का जो भाग है ना, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल का जो शीर्ष भाग है वो कहलाता है प्लूमूल। और ये प्लूमूल आगे चल करके शूट सिस्टम यानी कि तना और पत्ती बनाएगा। जब ये एम्ब्रायो अंकुरित होगा ना, जब बीज के अंदर का एम्ब्रायो अंकुरित होगा तो यही प्लूमूल जो है यही वृद्धि करेगा और आगे चल करके स्टेम बनेगा, लीफ बनेगा, तना और पत्ती का निर्माण होगा। ठीक, और आगे क्या लिखा हुआ है कि एम्ब्रायोनल एक्सिस का कॉटिलीडन के लेवल से जो नीचे का भाग है, कॉटिलीडन के लेवल से जो नीचे का ये जो भाग है इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल का जो शीर्ष भाग है वो कहलाता है रेडिकुलम। शीर्ष का मतलब ऊपर मत समझना, शीर्ष का मतलब वो जो लास्ट वाला भाग यानी कि जो लोवेस्ट भाग है। शीर्ष भाग का यहाँ मतलब क्या है, लोअर एंड। ठीक है, तो हाइपोकोटाइल का जो लोअर एंड है यानी कि जो शीर्ष भाग है ये कहलाता है रेडिकल। और रेडिकल के भी शीर्ष भाग पर एक रूट कैप, एक कैप लगा रहता है जिसको बोलते हैं रूट कैप। और रूट कैप का निर्माण कौन करता है, रूट कैप का निर्माण करता है हाइपोफिजिस सेल। हाइपोफिजिस सेल जो होता है ना सस्पेंसर सेल में जो एक्चुअल एम्ब्रायो से कनेक्ट रहता है उसको बोलते हैं हाइपोफिजिस सेल। तो वो हाइपोफिजिस सेल ही रूट कैप का निर्माण करता है। ठीक, और ये जो रेडिकल है जब बीज अंकुरित होगा, जब ये डायकोट एम्ब्रायो अंकुरित होगा तो रेडिकल से जड़ निकलेगा। तो यहाँ से इसे जड़ निकलेगा, समझ लो कि ये बीज के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये बीज के अंदर का एम्ब्रायो है और यहाँ रेडिकल है, यहाँ प्लूमूल है। रेडिकल अंकुरित होगा तो यहाँ से रूट निकलेगा, जड़ निकलेगा, और यहाँ ये प्लूमूल अंकुरित होगा तो इससे शूट निकलेगा यानी कि तना, और तना के ऊपर फिर पत्ती बन जाएगा यानी कि एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक, ये स्ट्रक्चर समझ में आया। तो क्या लिखा है, फिगर किसका है, डायकोट एम्ब्रायो का, ये एक रफ फिगर है। ठीक, अब देखो यहाँ फिर क्या है, इन मोनोकोट प्लांट में अब देखो क्या होता है। मोनोकोट एम्ब्रायो में केवल एक कॉटिलीडन होता है। सही बात है कि मोनोकोट प्लांट में जो है ना उसके एक बीज में एक ही कॉटिलीडन, जैसे कि हम बोले ना कि चावल में एक ही कॉटिलीडन, वो दाल के समान दो अलग अलग पार्ट में बंटता वो नहीं है, तो उसमें एक ही कॉटिलीडन होता है। ठीक है, इसके कॉटिलीडन को स्कूटिलम बोलते हैं। देखो इसके कॉटिलीडन को यानी कि मोनोकॉट एम्ब्रायो के कॉटिलीडन को क्या बोलते हैं, स्कूटिलम बोलते हैं। ठीक है, स्कूटिलम कहते हैं। जो एम्ब्रायोनल एक्सिस के एक तरफ यानी लेटरल साइड स्थित होता है, एक ही तरफ होता है। जैसे देखो यहाँ पर हम एक मोनोकोट एम्ब्रायो का सिंपल सा फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेड लाइन ये जो खींचा हुआ है ना, ये हो गया क्या, तो ये पूरा लाइन, ये जो रेड वाला पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है ना, इसको हम बोलेंगे एम्ब्रायोनल एक्सिस। ठीक, और ये जो एम्ब्रायोनल एक्सिस है इसमें ये ब्लू कलर से यहाँ से जो इस तरह से निकला हुआ है ना, यही है इसका कॉटिलीडन। और इसके कॉटिलीडन को क्या बोलते हैं, स्कूटिलम बोलते हैं। ठीक, देखो यहाँ से कॉटिलीडन इस तरह से निकला हुआ है, एक ही कॉटिलीडन है। डायकोट में दो कॉटिलीडन, मोनोकोट में एक कॉटिलीडन। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि जो कॉटिलीडन का लेवल क्या हुआ, यहाँ है। देखो कॉटिलीडन का लेवल कौन है, यही है ना, ये यहाँ। तो इस कॉटिलीडन के लेवल से जो नीचे का एम्ब्रायोनल एक्सिस के कॉटिलीडन के लेवल से जो नीचे का भाग है ये क्या कहलाएगा, हाइपोकोटाइल कहलाएगा। और इसके ऊपर का भाग ये क्या कहलाएगा, एपिकोटाइल कहलाएगा। हाइपोकोटाइल का शीर्ष भाग क्या कहला गया, ये रेडिकल कहला गया। हाइपोकोटाइल का शीर्ष भाग क्या कहला गया, रेडिकल कहला गया। रेडिकल के भी शीर्ष भाग पर क्या होगा, रूट कैप होगा कि नहीं, यहाँ पर रूट कैप भी होगा। अब ये जो एपिकोटाइल का शीर्ष भाग है ये क्या कहला गया, प्लूमूल कहला गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात ये है कि मोनोकोट एम्ब्रायो के रेडिकल के ऊपर एक कवर पाया जाता है। मोनोकोट एम्ब्रायो के रेडिकल के ऊपर एक कवर पाया जाता है। देखो यहाँ ग्रीन कलर से कवर दिखाई पड़ रहा है ना, रेडिकल के ऊपर एक ग्रीन कलर का हम कवर बनाया है ना, इस कवर को बोलते हैं कोलियोराइजा। इस कवर को बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, हम बोले कि मोनोकोट एम्ब्रायो के रेडिकल के ऊपर एक कवर होता है, उस कवर को बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक, और मोनोकोट एम्ब्रायो के प्लूमूल, ये देखो प्लूमूल है ना, प्लूमूल के ऊपर भी एक कवर होता है जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो मोनोकोट एम्ब्रायो के रेडिकल के ऊपर जो कवर होता है उसका नाम है कोलियोराइजा, और मोनोकोट एम्ब्रायो के प्लूमूल के ऊपर जो कवर होता है उसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल। देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है,
मोनोकॉट एम्ब्रायो में केवल एक कॉटिलीडन होता है, ठीक है। इसके कॉटिलीडन को स्कूटिलम कहते हैं, जो एम्ब्रायोनल एक्सिस के एक तरफ यानी लेटरल साइड से होता है। ये एम्ब्रायोनल एक्सिस है और इसके एक ही तरफ ये कॉटिलीडन है, दोनों तरफ कॉटिलीडन नहीं। अब दो कॉटिलीडन रहेगा तब तो दोनों तरफ रहेगा, एक ही कॉटिलीडन है यानी कि एम्ब्रायोनल एक्सिस के एक ही तरफ कॉटिलीडन होता है, ठीक। आगे देखो क्या है, एम्ब्रायोनल एक्सिस के लोअर एंड पर रेडिकल तथा रूट कैप होता है, यानी कि ये रेडिकल, रेडिकल के ऊपर में यहाँ पे क्या होगा, रूट कैप होगा। लिख देते हैं यहाँ पर जो है रूट कैप भी होगा, इस जगह में रूट कैप होगा, ठीक, रूट कैप होगा, ठीक। अब देखो क्या बोलता है, रूट कैप होता है जो एक आवरण से घिरा होता है जिसे कोलियोराइजा कहते हैं, यानी कि रेडिकल और रूट कैप एक आवरण से घिरा होता है। इस ग्रीन कलर के आवरण को हम यहाँ क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा बोलते हैं, ठीक। अब ग्रीन कलर का होता नहीं है, ठीक है, हम फिगर में ग्रीन कलर बनाए हुए हैं। अब देखो क्या है, एम्ब्रायोनल एक्सिस के अपर एंड पर प्लूमुल होता है, ठीक है, प्लूमुल यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक। आगे क्या है, जो एक आवरण से घिरा होता है जिसे कोलियोप्टाइल कहते हैं, यानी प्लूमुल के ऊपर भी एक कवर होता है, फिगर में ग्रीन कलर से कवर दिखाई पड़ रहा है, इस कवर को क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं। इतना समझ में आया, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक। तो आज के क्लास में हम लोगों ने एम्ब्रायो के फुल स्ट्रक्चर को समझा, मोनोकोट एम्ब्रायो, डायकोट एम्ब्रायो, हालांकि डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है उसको केवल फिगर के आधार पर समझे, उसका भाषा, स्टेज का भाषा हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया था। तो डायकोट एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के प्रत्येक स्टेज का जो फिगर है उस फिगर को बहुत ही ध्यान से देखना है, उसको समझने का प्रयास करना है, ठीक है, और समझ करके उसको कॉपी में लिख लेना है और उसके स्टेज को फिगर के आधार पर ही समझने का प्रयास करना है, उसको दिमाग में सेट करना है, बार बार फिगर को देखना है, उसके सभी नाम को पढ़ना है और सोचना है कि किस तरह से आगे डिवीजन हुआ, कहाँ ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, कहाँ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, ठीक है, फिर जो है बेसल सेल क्या होता है, सस्पेंसर सेल क्या होता है, ये सब कुछ जो है उस फिगर का याद रखना है, ठीक। तो हम लोग आज के क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, ये चैप्टर लास्ट की ओर चल रहा है, अगले दो क्लास तक में उम्मीद है कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले क्लास में, ऑल द बेस्ट।